भैया 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 ठंड रख। अब बता क्या बात है भैया। इस गांव में नया कोई सॉइल इंजीनियर आया है और उसने पता लगा लिया कि इस गांव के इर्द गिर्द कोई गोला बारूद का कारखाना है। अगर ये बात एसपी तक पहुंच गई तो यहाँ पे छापेमारी भी हो सकती है भैया। हमारे ठिकाने के किसी चिड़िया के बच्चे तक को नहीं पता ये नया पंछी कौन आ गया जो हमारे बारे में इतनी जानकारी रख रहा है। कौन है? सुन रहा है, टिटोड़ा गांव से है, सूरज कुमार इसका नाम है और राज्य सरकार से स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है। स्वर्ण पदक जीता हो या रजत पदक, कल हमारे खिलाफ काम करेगा तो कबूतर बना देंगे। कहाँ से? टिटोड़ा से। जी भैया। अलग आज तक कोई ऐसा इंजीनियर ना जो हमारे खिलाफ काम करके इस गांव में रुक चुका हो, इसकी क्या औकात पता निकाल साले का पूरा। जी भैया। खेत में भी ना ठहर पाएगा। उल्टे सीधे तत्व पाए जा रहे हैं, उन तत्वों से बचाना है, सारी चीजें ठीक कर दी है, तो ये बात समझ लेना। इंजीनियर साहब राम राम। राम राम, आपकी तारीफ? अजी तारीफ तो हमारा पूरा गांव करता है, आप ही खपा खपा चल रहे हैं। कहाँ के इंजीनियर बन गए, इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी है, पुलिस में होना चाहिए था आपको तो। साहब जी, तेजा साहब। क्या नाम बताए? सूरज। देखिए सूरज बाबू, हमारे गांव में मेहमान को भगवान की तरह पूजा जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कोई बदतमीजी हो जाए। क्या है ना, गांव वाले हमें प्यार बहुत करते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। एक बात सुन लो तेजा साहब, मैं इस गांव में मेहमान बनकर ना आया हूं, यहां पर मुझे डीएम साहब ने गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है, और कोई चाहे कुछ भी कर ले, मैं इन गांव वालों की मदद किए बिना इस गांव से जाने वाला नहीं हूं। अच्छी बात है, करिए, साथ साथ अपना भी ख्याल रखिएगा। है राज्य के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इस इलाके के एक युवक ने बीटेक में टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसका जश्न यहां मनाया जा रहा है। सूरज जी सिंघानिया ब्रदर्स ने आपको 1,00,000 रुपए ऑफर किया है सैलरी, साथ ही साथ इंपोर्टेड कार देने का वादा किया है, क्या आपने ऑफर स्वीकार कर ली है? जी नहीं, मैंने उनको ऑफर स्वीकार नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि अपने ज्ञान का फायदा उन गरीब भाई बहनों को पहुँचाऊँ जिनकी जमीनों पर कुछ नहीं उगता है। सूरज जी, हमने ये भी सुना है कि कम सैलरी की वजह से आपने सिंघानिया ब्रदर्स के ऑफर्स को ठुकरा दिया, आपकी 2.5 लाख की डिमांड थी, क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल र्यूमर है, एक्चुअली सैलरी कभी भी मेरे लिए मायने नहीं रखती है। सॉरी। अरे अगले गांव में जो हमारी जमीन है, जो ठेके पे दे रखी, उसका पैसा आया कि नहीं आया? आया नहीं, फिर कौन लाएगा? मुखिया जी, जयराम जी की। हाँ जयराम जी की, प्रीतम ठीक है भाई? जैसा कि मुखिया जी आप जानते हैं कि हमें हमारे दलित वर्ग के लिए ना कोई पाठशाला है और हमारी जमीन भी उपजाऊ नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, कुछ करिए हमारे लिए। अरे प्रीतम होश की खाले, सारी जिंदगी इस जाति धर्म में ही पड़ा रहेगा क्या? अरे गांव में तेरे वर्ग के लिए ना किसी के लिए अभी पाठशाला नहीं है, शर्मिंदगी की बात है हमारे गांव के लिए आया। पर मैं तुम्हें सबको बता रहा हूँ, एसडीएम को भी चिट्ठी लिख रखी है, डीएम को भी, कमिश्नर को भी और मुख्यमंत्री को भी, इस गांव में स्कूल खुलेगा, जरूर खुलेगा, और पाठशाला ही नहीं, प्राथमिक विद्यालय नहीं, यहाँ हाई स्कूल भी खुलेगा, और इसमें जमीन मैं अपने पास से दूंगा, समझे? पर ये जाति धर्म की बात मत करा करो, शिक्षा का मतलब जाति धर्म से नहीं होता है, हर आदमी का हक है शिक्षा लेना, समझ गए?
और रही बात तुम्हारी जमीन की, तो इस गांव में मैंने कृषि वैज्ञानिक बुलवा रखा है, वो आएगा तुम्हारी जमीन चेक करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो। सर, सूरज कुमार जी को आपने बुलाया था, वो आ गए हैं। ठीक है, भेज दो ने। सूरज, मैंने आपके सारे असाइनमेंट्स देखे हैं और स्टडी भी किया। आपने काफ़ी बारीकी से परीक्षण किया है सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। आई एम वेरी इंप्रेस्ड। थैंक यू सर। और इसीलिए आज मैं आपको एक नई जिम्मेदारी दे रहा हूँ। ये एक फाइल है जो मेरे ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पड़ी हुई है। गाँव का नाम है आकृति। 50 एकड़ में फैला हुआ गांव, जिसकी 3/4 जमीन उपजाऊ नहीं है। आपसे पहले भी कई सारे ऑफिसर्स को ये फाइल अलॉट हुई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल इस गांव की ज़्यादातर जमीन दलित और गरीब वर्ग की है। इनकी आर्थिक स्थिति भी बिलो पॉवर्टी लाइन बताई जा रही है। सुना तो यहाँ तक है कि कुछ लोग भुखमरी के भी शिकार इस गाँव में हो रहे हैं। जो भी इस जमीन पर उगता है उसे खाकर लोगों के बीमार होने के भी एग्जाम्पल रिपोर्ट किए गए हैं। अगले साल तालुका के चुनाव हैं, प्रशासन पर इस बात का दबाव बना रहता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पोस्टिंग इस गांव में ले लें। आपको जिस भी सहायता की ज़रूरत होगी, प्रशासन आपके साथ है। आप अगले महीने की 20 तारीख से उस गांव में ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। बस एक बात याद रहे, मुझे रिजल्ट चाहिए। सूरज बेटा। हाँ माँ। तेरा टिफिन। अच्छा, खाना पैक कर दिया मैंने, खा लिए। अरे इसमें लड्डू हैं, थोड़े से मैंने मुनक्के भी रख दिए। अच्छा, अगर तेरा गला सूख गया तो तू खा ले करियो। माँ तू नू ना दिल छोटा कर लिया कर, हैं? देख बेटा, तू पहली बार इतनी दूर घर से बाहर जा रहा है, मेरा तो सोच सोच के ऐसा मन घबरा रहा है कि तेरे बगैर मेरा कैसे दिन कटेगा। रे सूरज की माँ, क्यों रो रही है तू? आज तो बहुत खुशी का दिन है, हमारे बेटे की इतनी अच्छी नौकरी लगी है, वैज्ञानिक बन गया हमारा बेटा। अरे माँ चुप हो जाओ, रोना बंद करो। देख माँ, हैं? अब तो ये छुटकी बीमारी कितनी बड़ी होगी, यो तुझे मेरी कमी ना महसूस होने देने की बिल्कुल भी। तेरा पूरा ध्यान रखिए माँ का है। और माँ, मैं जब भी तेरा मेरे से बात करने को मन करे ना, पिताजी का फोन छीन लिया और तुरंत मुझे फोन लगा दिया तेने। और देख, मेरे नियो तेरे से बढ़के ना है कोई भी, मैं सुबह उठते ही सीधा सबसे पहले तुझे फोन लगाया करूंगा। अपना ध्यान रखिए, और एक फोन मेरे को रोज करेगा। रोज करूंगा, बिल्कुल, मैं तुझे सुबह उठते ही एक फोन कर दिया करूंगा। और जब भी तेरा मन भारी होवे तुरंत मुझे फोन लगा लिया। चुप हो जा, ध्यान रखिए माँ का, हैं? ठीक है, चल अपना भी ख्याल रखिए। ठीक है बापू, जा रहा हूँ। जीता रहे, खुश रहे। अरे मेरा होनहार बेटा है, मुझे गर्व है तेरे पे। ठीक है, खुशी खुशी जा। ठीक है बापू, मार छोटी का ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना। ठीक है बापू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। अरे तुझे पता, अगले महीने सरिता के भाई की शादी है। अरे मेरे तो नवे कपड़े आवेंगे। यार क्या लड़की है यार, पहले ही पापा को। मैं अभी तो नए कपड़े पहनूंगी, मैं कौन से पुराने पहनूंगी। देखो ऐसे जा रही है, ऐसे बात कर रही है तू तो। बिल्कुल इनके अंदर कोई दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? रुक जा रुक जा, मैं कौन है ये? अरे देवी, क्या दिखाई नहीं दे रहा क्या देवी जी? हैं? इतना देर से आपको हॉर्न दे जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? कौन है तू? अरे कौन हो, तुमका क्या मतलब है? पीछे गाड़ी लेकर आ रहे हैं ना, जाना है हम लोगों को जल्दी।
आप धीरे धीरे मस्ती में पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। तो हमारी मर्जी, हम कैसे भी चले, तुम्हें क्या दिक्कत है। मर्जी मतलब ये क्या तरीका है, एक तो ऐसे बीचों बीच चले जा रहे हो और कह रहे हो कि मर्जी है, बुद्धि है या नहीं है थोड़ी बहुत। हाँ तुम्हारे में तो बहुत बुद्धि है, चल गीता, यो तो यूं ही बक बक करता रहेगा, चल। सीता गीता लेके जाओ इसे, सिखा दो जरा से तमीज। जा गाड़ी में बैठ जा, बहुत दिक्कत है जैसे, चल चल आ गीता, जाओ। पता नहीं कहाँ से आया, कमाल की लड़कियां थी। सुरीला इस गांव के सारे लोग ऐसे ही हैं क्या? झुमका झुमका रह गया लगता है इन लोगों का। आइए सर आइए, गांव के मुखिया ने आपके लिए बहुत बढ़िया रसोइयों का इंतजाम कर रखा, बहुत बढ़िया रोटी बनाना जी। हाँ जी, और पंडित है उसका नाम, पंडित है। हाँ आइए। अच्छा, यानी पूजा पाठ करने वाला है। रोटी बनाना जी। आइए आइए। अरे ओ पंडित, सूरज सर आगे पानी लेके आ। अबे साले तू खाली गिलास ले आया, इसमें पानी नहीं लाया, साहब भड़केंगे। सर वैसे भी तुझे पी रखी है, अगर पता चल गया ना तो गई नौकरी हमारी दोनों की। अरे सुरीला। अरे जी सर। वो क्या है सामने? सर वो कुआ है, पिछले चुनाव में लगभग 2 साल पहले किसी ने खुदवाया था, अब उसके बाद किसी ने पूरा करवाया ही नहीं, ऐसे ही पड़ा है जी। हाँ बाप आगे कुछ ना कुछ हो सका इसका। तुझे कई बार समझा दिया साले, तू मुझे भी मरवाऊंगा साले, कछुए जैसी आंखों वाले। और वो जो वो बंजर जमीन पड़ी है वो किसकी है? वो तो दलितों की है जी, वह ऐसी बंजर है, इसमें कुछ होता ही नहीं, अगर उस थोड़ा बहुत हो जा और लोग उस फसल को खा लें तो मैं बीमार पड़ जा, इसीलिए कोई उसे छेड़ता ही। हाँ लेकिन अब आप आगे कुछ ना कुछ हो सके। लगता है बड़ी समस्या है इस गांव में। इस बार कुछ ना कुछ जरूर होगा। हंस रहा क्यों बे? साहब को लगा साहब ने पानी पी लिया, पता ही नहीं चला उन्हें तो। अरे आगे से भर के लाया करी से। बाय द वे अगली बार से ग्लास में थोड़ा पानी भी लेकर आया करो। सॉरी सर। वो तो ठीक हुआ खड़े सर ने कुछ नहीं कहा, तेरे दारू पी है। हंसे मत, एक पाव मैं भी पीऊंगा चले। राम राम भाइयों, देखो मैं किसान विकास केंद्र से आया हूँ, मैं सोयल इंजीनियर हूँ और मेरा नाम सूरज कुमार है। डीएम साहब ने मुझे आपके गांव में भेजा है। रख के कदम शुरू हो या चालना, खुद के सीने ते काढ़ के माँ की तरिया पालना। ओ जिस माटी पे रख के कदम शुरू हो या चालना, खुद के सीने ते इस देश की माटी के गुण हर कोई गावेगा, रईस देश की माटी के गुण हर कोई गावेगा। जय मातृभूमि, जय मातृभूमि।
ये क्या कर रही है तू छोरी? अरे क्या कर रही है तू छोरी, पागल होगी क्या तू? अपने बापू के गुस्से को जानती नहीं क्या? अरे तुझे तो डांटे ही डांटेंगे, मुझे भी डांट खिलवाएगी। अरे रुक जा, मैं बताऊंगा तुझे। बाप से मजाक करती है। पापा की बच्ची, पापा से कोई ऐसी मजाक करता? तुझे पता है अभी आके लेटा था, खाना भी नहीं खाया मैंने। पापा आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना क्यों नहीं खाया? तुझे तो पता है ना तेरे बगैर मैं खाना नहीं खाता। मैं तो अपनी सहेली की गेला खेलन गई थी। चलो आओ दोनों साथ में खाएंगे, आ जाओ। चलो आओ, सारा गाँव जानता है जगमेर सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी है। सारे गांव पे मेरी हुकूमत चलती है और मेरे ऊपर तेरी। चल। नमस्कार मंत्री जी। कैसे हैं आप? बस जी एकदम बढ़िया हूँ। बस जी आपने वो हथियार और पैसे भिजवाने के लिए कहा था जहाँ पर, वो भिजवा दिए। बस अब आपने हमारा वो छोटा सा काम ना किया जी, जी वो ज़मीन का टुकड़ा। अब मंत्री जी हम आपसे पूरा क्षेत्र थोड़े मांग रहे हैं जी, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ही तो है जी। ये आरक्षण वारक्षण की बात हमें मत बताइए जी, हमें इतना पता है कि चुनाव के टाइम पर अपनी जान जोखिम में डाल के हम ही आपको वोट दिलाते हैं है जी। देखो मंत्री साहब, हम इतना जानते हैं आप इस टाइम सत्ता में हो, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। देखो मंत्री साहब, चुनाव आने वाले हैं और इस पूरे क्षेत्र में हमारे बिना किसी को वोट दिया नहीं जाता है, सोचिएगा जरूर। बाकी आपकी मर्जी है साहब। वकील साहब, जो ये 300 एकड़ का नंबर तुम देख रहे हो ना, इसके कागज तैयार करवाओ। ये जमीन भूमि के नाम करानी है, भूमि के। मुखिया जी, लड़की के नाम इतनी जमीन कौन कराए है? वकील साहब, भूमि मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा भी है, और वैसे भी मेरी तमाम जमीन जायदाद मेरी बेटी भूमि की तो है। क्यों गुनीराम? चलो तैयार करा दो मुखिया जी पेपर जी। देवी जी। अरे मेरा झुमका, मेरा झुमका तुम्हारे पास कैसे आया? मेरे पास कैसे आया? हाँ, ये दुपट्टा झुमका सब कुछ मेरे पास में रखवा दोगे तो खुद क्या पहनोगे? ये तो हवा में उड़ गया। और ये झुमका, ये भी हवा में उड़ गया था। ये भी गिर गया होगा कहीं? गिर गया होगा कहीं? ये जो 24 घंटे नाक पे गुस्सा रख के घूमते हो ना, तो ये इसलिए गिरा था उस दिन। अच्छा हाँ, और ये जो दुपट्टा है ना,
जो 24 घंटे यहाँ वहाँ चिड़िया की तरह फुदकते हुए घूमते रहते हो, इसलिए हवा में उड़ के मेरे पास आया है। अच्छा, मुझे चिड़िया बता रहे, तुम लंगूर बंदर हो जो हमारे खेतों तक घुस आए। अच्छा, लंगूर बंदर? मैं तो सोच रहा था चल के देवी जी का सामान उनको वापस कर दें, लेकिन अब खरीद लेना शॉप से कहीं दूसरी जगह से। अच्छा सॉरी, वो दे दो वापस मेरा सामान। अब आ गई ना लाइन पर। ये लो अपना झुमका और ये लो अपना दुपट्टा। हमारा सामान हमें वापस करके कोई एहसान न कर दिया। चल खुशबू। ओहो, सामान वापस मिलते ही रंग बदल लिया, तेवर देखो लड़की के। आइए सर। मुखिया जी, आप सिविल इंजीनियर साहब आए हैं। अरे वाह वाह, इंजीनियर साहब राम राम। राम राम मुखिया जी, राम राम। बैठो सूरज बाबू। हाँ, आइए। अब हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि आप जैसे होनहार होशियार गोल्ड मेडलिस्ट अधिकारी को हमारे गांव में तैनात किया गया। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी पढ़ाई और सारा ज्ञान इस गांव को संवारने में काम आए। मैं आपको क्या बताऊं सूरज बाबू, इस गांव के पास धरती तो बहुत है पर 70% धरती बिल्कुल बंजर हो रखी, कुछ नहीं होता। अनाज के 2-4 दाने होते भी है ना तो जहर से भुजे हुए। अब आप जैसा व्यक्ति यहाँ पे आया है ना तो हमें भी अंधेरे के अंदर एक किरण सी दिख रही है, रोशनी नजर आ रही है कि आप इस गांव की अब स्थिति बदल दोगे। और जिस दिन इस गांव की धरती पे हरियाली दोबारा से आ गई ना और ये फसल दोबारा से लहला उठी तो ये समझो कि मेरा मुखिया बनना भी कामयाब और आपका इस गांव में आना भी कामयाब। बिल्कुल आप चिंता मत करिए मुखिया जी, मैं जितना भी मैंने सीखा है उसका पूरा प्रयोग करते हुए यहाँ स्थिति बदलने का पूरा प्रयास करूँगा। और मुखिया जी, हमारे किसान भाइयों को ये बिल्कुल जानकारी नहीं है कि खेत में कितनी मात्रा में खाद डालना चाहिए। इंजीनियर बाबू, ये किसान बहुत भोला है, ये तो भेड़ा चाल में लग जाता है। इसे तो यही नहीं पता अपने खेत में क्या डालना क्या नहीं, दूसरे ने जो भी खाद दवा पानी दे दिया यो भी उसे ही देने लगे। मुखिया जी, सरकार का भी हम पर भरपूर दबाव है कि हम जल्द से जल्द इस भू योजना को सफल बनाएं। आपको जो करना है पूरी व्यवस्था पूरा सहयोग गांव करेगा, मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। बस इस गांव की बंजर भूमि उपजाऊ हो जाए एक बार, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। और तुम तो मुझे अपने बेटे की तरह नजर आ रहे हो। तो बस अब आप सहयोग बनाए रखना। राम राम। नाज ही नहीं हो रहा, गन्ना नहीं हो रहा। राम राम जी, राम राम, राम राम जी। बस बस कोई बात नहीं, साफ है, छोड़ बैठो 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 आप लोग जी। हाँ जी हाँ जी, बैठो बैठो बैठो। अच्छा इंजीनियर बाबू, सौभाग्य हमारे, गरीबों की बस्ती में आ गए आप। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग। देखो भाई, मैं किसी भी तरह की जात पात और ऊंच नीच को नहीं मानता हूँ। इंजीनियर बाबू आप बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपकी जमीन के अंदर जो भी ये गलत तरह से पैदावार चल रही है उस पैदावार को मैं जांचूंगा और परखूंगा। आपकी फसलों में जो कीड़े लग रहे हैं इन सारी समस्याओं से मैं आप लोगों को निजात दिलाऊंगा। हमारे गांव में बहुत ही इंजीनियर आए और आकर चले गए, लेकिन किसी ने भी हमारे गांव का भला नहीं किया। देखिए भाइयों, पहले भी ये सवाल मेरे सामने कई बार खड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों की समस्याएं ही दूर ना कर सकूं तो ये मेरी डिग्री किस काम की। मैं ये प्रण करके यहां पर आया हूं कि मैं आकृति गांव की सारी समस्या को दूर करके ही यहां से जाऊंगा। मैं यहां पर आप लोगों की भूमि के छोटे छोटे सैंपल यहां से एकत्र करके लेके जाऊंगा और यहां से आपके खाद्यान्नों के सैंपल ले जाकर लेबोरेटरी में जाकर इसकी जांच करूंगा। और ये जांच करने के बाद में मैं हफ्ते भर में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों की इस ज़मीन में कैसी और किस तरह की समस्याएं हैं। अरे सरता, डिब्बे में से कुछ गेहूं चावल के नमूने ले आओ। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। जो मेरा अनुभव है मैं जल्दी ही आप लोगों की ये समस्या पूरी तरह से निपटा दूंगा।
हाँ तो ये नमूने मेरे पास में आ गए हैं, अब मैं एक हफ्ते के अंदर इनकी सारी जांच करके अब आप लोगों को बताता हूँ। तो अब आपकी आज्ञा हो तो अब चला जाए हैं। ठीक है चलो ठीक है नमस्कार। ए कबीरा तूने जो इंजीनियर बाबू से बोल लिया मेरे कुछ नहीं पल्ले पड़ा। तेरे कुछ नहीं पल्ले पड़ा? अरे तू क्या जाने हम जाने ये इंजीनियर पिंजीनियर आगे कितने चले गांव में, इस गांव का कभी भला नहीं होगा। गांव का भला एक ही आदमी कर सकता है, उसका नाम है तेजा। तेजा तेजा कौन? तेजा माफिया, माफिया है वो, माफिया समझ गया। पी ले पैक, पी ले के लगा ले पैक। रुको इंजीनियर बाबू, रुको इंजीनियर बाबू। जी बाबू जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आपसे गलत कहा था कि कितने इंजीनियर आगे चले गए। वो जमीन तेजा के कब्जे में है। कौन है तेजा? तेजा सर महागुंडा है, उसके कब्जे में जमीन है, वो नहीं चाहता वहाँ कुछ हो। काका बस तुम लोग पीछे मत हटना और मेरा साथ देना, और रही बात इस तेजा की तो तेजा भूल में बुला दिया जाएगा। इंजीनियर बाबू आपकी ये पूरी बस्ती आपकी साथ रहेगी। इंजीनियर बाबू पूरी बस्ती जो चाहेंगे आप हमारे से करा सकते हैं, आपकी साथ हैं हम। चिंता मत करो काका, चलो। ठीक है बाबू जी। ठीक है हम तो धंधा करने के लिए बैठे हुए हैं, 100 150 जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी आपको, है जी? ठीक है जी, भिजवा देंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है, बस आप पैसे टाइम से पहुंचवा दिया करो। ठीक है जी बेटा, ठीक से करो भाई साहब। और काली राम राम, सब बढ़िया? और सुभाष भाई, एथल का ड्रम आ गया, रखवा लिया? जी भैया। राम राम काका, राम राम। खाना खा रहे हो काका? हैं? अरे इंजीनियर बाबू कितना अच्छा है, दलितों के साथ बैठ के खाना खा रहा है। ए भूमि, देख तेरा इंजीनियर बाबू। मेरा इंजीनियर बाबू? हाँ तेरा नहीं है, सरिता का है। ए चल पागल। सॉरी मैं जल्दी में था इसलिए मैंने देखा नहीं, मेरी गलती है। नहीं आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, गलती तो मेरी है। मेरी गलती है, मैं ही थोड़ा देख के नहीं चल रहा था। ना ना मैं देख के नहीं चला रही थी, गलती मेरी है।
मासूम से चेहरे पे एतबार हो गया से, मासूम से चेहरे पे एतबार हो गया से, पहली नजर में तेरे ते प्यार हो गया से, पहली नजर में तेरे ते प्यार हो गया से, जब ते मिले भर नैन सजड़ा, जब ते मिले भर नैन सजड़ा, तेरे बिना मिलता ना चैन सजड़ा, तेरे बिना मिलता ना चैन सजड़ा, दिल पे लिखा मन ने देख तेरा नाम हो, मेरा पहला तू ही आखरी मुकाम हो, दिल पे लिखा मन ने देख तेरा नाम हो, तू ही मेरा पहला तू ही आखरी मुकाम हो, तेरे बिन हो जाऊं बेचैन सजना, तेरे बिना मिलता ना चैन सजना, तेरे बिना मिलता ना चैन सजना, जिंदगी भर का तन्ने दूंगा मैं साथ हो, दिल के मागून जैसे मीठी मीठी बात हो, जिंदगी भर का तने दूंगा मैं साथ हो, दिल के मागून जैसे मीठी मीठी बात हो, इश्क का दिल पे रे खुमार हो गया से, पहली नजर में तेरे ते प्यार हो गया से, पहली नजर में तेरे ते प्यार हो गया से, आख्या में बस गई मेरी जान तेरी तस्वीर, सात जन्मा का जुड़ गया तेरा मेरा सिर, आख्या में बस गई मेरी जान तेरी तस्वीर, सात जन्मा का जुड़ गया तेरा मेरा सिर, सपना यू मेरा साकार हो गया, तेरे बिना मिलता ना चैन सजना, पहली नजर में तेरे ते प्यार हो गया से, यार पंडित एक बात बताऊं तेरे को, जो हमारे बाबू ना बाबू सूरज इंजीनियर यार, उसका ना गांव की एक लड़की से चक्कर है, पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भूमि। भूमि? वो तो उस मुखिया की पकती है यार, वो तो बहुत खतरनाक आदमी है। खतरनाक? सुरीला। हाँ। यार देख, तुमने मुझसे वादा किया था ना, क्या तू मुझे गाड़ी चलाने सिखाएगा? गाड़ी? यार देखे एक बात सुन ले पंडित, अभी क्या है कि हमने दारू पी रखी है ज्यादा, हमें नशा है बहुत, नो ड्रिंक एंड ड्राइव, दारू पी के कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, मैं ड्राइवर हूँ, मैं लेके जाऊंगा। नहीं, मैं गाड़ी चलाऊंगा तो चलाऊंगा, तू सिखाएगा तू, मैं तुझे और पिला दूंगा दारू पक्का। यार अगर दारू पी के कहीं तूने ठोक दी तो तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या यार? नहीं, कैसे बात करता तू? क्यों
तुझे पता मेरा बाप एम्पाला गाड़ी चलाता था, वो भी किसी बहुत बड़े पारसी की। एम्पाला? तेरा बाप? तेरे बाप ने कभी गाड़ी देखी भी एम्पाला? वे देखी नहीं बेटा, चलाइए चलाई उड़ाई है। अरे यार मुझे डर है कहीं मैं तुझे गाड़ी सिखाऊं और तू उसे ठोक दे। ओ, नहीं तू तू चल मुझे फुका यार तू। अच्छा रुक, आराम से उठ। चल उठ गया। बस अलग गिरेगा तो क्या ढिंडू गाड़ी चलाएगा? चलाऊंगा। एक मिनट, सीधा पैर पहले काम के लिए सीधा पैर आगे धरना चाहिए। एक दो तीन। खुल गए खुल गए, पीछे मत गिर जाइयो। पकड़ पकड़ पकड़। चल मैं आ रहा हूँ उधर से। अभी रुक जा एक मिनट, मैं खोल रहा हूँ। अबे 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 रुक जा, अबे रुक जा, अबे रुक जा, अबे 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 मारेगा, रोक दे बे, अबे मारेगा क्या अबे पंडित, अबे रोक दे, अबे अबे रोक दे, अबे रोक दे, मारेगा क्या, अबे रोक दे। इसका ब्रेक मार, ब्रेक, अबे ब्रेक मार, अबे रेस दे दी, अबे तेज चला दी, अबे तू तो मर पाएगा। अबे एक काम कर दे, बीच में ब्रेक, बीच में, बीच में ब्रेक नहीं लग रहा है। अबे यार कहा फंस गया, मेरी नौकरी गई। अबे साले, अबे मेरी दारू उतर गई है। अबे सारे मैंने तुझे कितनी बार कहा मुझे गाड़ी चलाना सिखा दे। अबे मेरे कितने लग रहा है। मैं तो होती छोड़ दे, होती छोड़, होती छोड़ दे, कैसा छोड़ दूँ, होती छोड़ दे। अबे मार दे। होती खुल गई। ओ भाई नीचे कच्चा नहीं पहना मैंने। अबे होती गई किसी की। अबे ब्रेक किधर है? कौन सा बीच वाला? अबे जाने, अबे ये तो नली उखड़ गया सुरीला, अब क्या करूं? अबे ऐसा कोई कर जाएगा? रुका दे इसको। साले तेरी गलती है। अबे अबे हट हट हट। अबे साले ठुक जाएगा, शराबी ड्राइवर है। अबे हट जा, अबे मेरी तो नौकरी चली गई। इस गांव की मिट्टी में तो हैवी मेटल्स हैं। जड़े खोखली हो रखी है, हैवी मेटल्स की वजह से इस गांव की फसल बर्बाद हो रही है और इस गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। लैब में टेस्ट कराना होगा। पानी के अंदर भी समस्या है। सुरीला, अरे सुरीला। हरी सर जी। ये एक पैकेट है, ये लेबोरेटरी में दिल्ली जांच के लिए भेजना है। मिट्टी के सैंपल हैं इसमें, और कोरियर करो इसको। कोरियर यहाँ अपने गांव में तो है नहीं जी। हाँ यहाँ तो 5 किलोमीटर दूर तहसील में है, वहाँ तक करिए। वहीं से करके आओ इसको। ठीक है जी, ठीक है।